ऑल राइट गाइज, यू आर वॉचिंग घोस्ट क्रेगन। एंड यार जो आज मैं बात करूँगा एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर, यानी कि बहुत ही बड़े गेम पर गाइज। गेम का नाम है ओडिन वल्हला राइजिंग। एंड मैंने आप लोगों से पहले बताया था अपनी वीडियो में, जो मैंने वीडियो बनाई थी टॉप 10 अपकमिंग हाई ग्राफिक्स एंड्रॉयड गेम्स पर, तो उसमें मैंने गेम को कवर किया था। इसका नाम था गाइज प्रोजेक्ट ओडिन मोबाइल। एंड गाइज मैंने बताया था आप लोगों को कि उस गेम पर अभी जब प्रोजेक्ट में वो गेम यानी बन रहा है, वो गेम अभी बहुत ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एंड फाइनली गाइज वो गेम आ चुका है बनकर। गेम का नाम फुल हो चुका है गाइज प्रोजेक्ट ओडिन वल्हला राइजिंग, जो कि हमारे पीसी एंड मोबाइल डिवाइस के लिए आने वाला है। तो इस वीडियो में बात करूंगा गेम की रिलीज डेट एंड गेम का साइज क्या होने वाला है, एंड गेम की रिक्वायरमेंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। एंड गाइज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग है, तो एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो गेम होने वाला है ओडिन वल्हला राइजिंग, एक नॉर्स मैथोलॉजी बेस्ड गेम होगा, जहाँ पर आपको सारे नॉर्डिक कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, लाइक थॉर हो गया, हमारा ओडिन हो गया, एंड वर्ल्ड सर्पेंट एंड हेला वगैरह एंड लोकी, सब एक सारे के सारे कैरेक्टर्स जो आपको नॉर्स मैथोलॉजी के देखने के लिए मिलेंगे इस गेम में। एंड गाइज एक न्यू फ्रेंचाइज आने वाली है, एक न्यू सीरीज आने वाली है पीसी पर हमारी एंड हमारे मोबाइल डिवाइस पर, जिसका नाम गाइज ओडिन वल्हला राइजिंग है। एंड इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके और भी गेम्स ये फ्यूचर में आएंगे। एंड इस गेम में जो आपका मेन प्रोटैगनिस्ट होगा, मेन कैरेक्टर होगा, वो आपका ओडिन होगा। एंड आप कैरेक्टर को स्विच कर सकते हैं थॉर वगैरह में भी। एंड गाइज स्टोरी जो है इस गेम की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड इसमें जो आपको सीन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो डीमंस होते हैं, डीमंस एंड गॉड्स के बीच की फाइट देखने के लिए मिलेगी। एंड आप लोग को जो कैरेक्टर होगा वो गॉड होगा, एंड आप लोग को डीमंस से फाइट करनी होगी एंड ह्यूमंस को बचाना होगा, यानी कि जो ह्यूमंस हैं उन लोगों को बचाना होगा, डीमंस को डिफीट करना होगा। एंड ये गेम की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। एंड गेम की ग्राफिक्स जो गाइस कितने ज़्यादा बेस्ट हैं आप देख सकते हैं। एंड ये जो ग्राफिक्स हैं मोबाइल डिवाइस के हैं। एंड अगर आप लोग पीसी की ग्राफिक्स देखेंगे, इस गेम में जो पीसी का गेम प्ले है वो तो और भी ज़्यादा बेटर एंड बहुत ही ख़तरनाक ग्राफिक्स का होने वाला है। एंड ये गेम गाइस सभी गेम्स को बीट कर देगा, जितने भी गेम एंड्रॉयड पर आ रहे हैं। एंड ये गेम की ग्राफिक्स आप देखिए गॉड ऑफ वॉर 4 जैसे लग रहे हैं भाई, इतने बेस्ट ग्राफिक्स है इस गेम के। तो अब बात कर लेते हैं गाइज इस गेम के रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इस गेम को स्मूथली प्ले करने के लिए आपके फ़ोन में एटलीस्ट कितनी रैम या कितना स्टोरेज होना चाहिए। तो भाई आप लोग जो है गेम के ग्राफिक्स देख के समझ गए होंगे, गेम के ग्राफिक्स बहुत ही हाई लेवल की, यानी कि आपका एंड्रॉयड जो है बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए। एटलीस्ट आपके एंड्रॉयड में एटलीस्ट गाइज मिनिमम 4GB रैम होनी चाहिए मिनिमम इस गेम को प्ले करने के लिए। 4GB रैम के डिवाइस में जो है गेम लैग कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। एंड 3GB रैम के डिवाइस में तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एंड इस गेम का जो साइज़ होगा गाइज वो 5GB से भी ज़्यादा होगा, यानी कि एक MMORPG फैंटेसी गेम होने वाला है। तो आप लोग जानते हैं जो फैंटेसी गेम होते हैं MMORPG का साइज़ कितना ज़्यादा होता है। एंड इस गेम के ग्राफिक्स से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, गेम के जो ग्राफिक्स हैं उस हिसाब से गेम का साइज़ 5GB से भी ज़्यादा होगा। तो आपका अगर आपके पास अच्छा एंड्रॉयड है तो आपको एटलीस्ट इस गेम के लिए 8GB का स्टोरेज खाली रखना पड़ेगा अपने पास। तो देखिए भाई थॉर भी इसमें है। एंड इस गेम के जो पब्लिशर हैं वो है लियोनहार्ट स्टूडियो, यानी कि लियोनहार्ट स्टूडियो इस गेम को बना रहे हैं पीसी के लिए एंड हमारे मोबाइल डिवाइस के लिए। एंड गाइज इस गेम का जो साइज़ मैंने आप लोगों को बता दिया 5GB से ज़्यादा का साइज़ होगा। बट अगर आप लोगों को ये गेम जो प्रेस्टा करना है अभी, तो जाइए टैप टैप पर जाकर इस गेम को प्रेस्टा कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया आपको प्रेस्टेशन का, जाकर टैप टैप पर जाकर इस गेम को प्रेस्टा कर सकते हैं। एंड अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे जिस तरीके से ये गेम पीसी पर आएगा, बिल्कुल सेम आप हमें वही गेम एंड्रॉइड पर देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गेम में जो पीसी पर जो आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें सर्वाइविंग करनी होगी आप लोगों को, जो सिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही कुछ कर सकते हैं आप लोग पीसी में। बट एंड्रॉइड में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, एंड्रॉइड में आप लोग सिर्फ स्टोरी प्ले करेंगे एंड ग्राफिक्स बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे एंड्रॉइड में पीसी के हिसाब से। एंड गाइज बाकी स्टूडेंट सेम होगी, बाकी की लोकेशन वगैरह सेम होंगी, बट ग्राफिक्स जो थोड़े बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे एंड्रॉइड में, क्योंकि यार आप सभी लोग जानते हैं पीसी कितना हाई होता है एंड एंड्रॉइड कितना होता है। तो इस हिसाब से जो इस गेम को जो बनाया जा रहा है वो पीसी के हिसाब से डिज़ाइन करा जा रहा है, बट एंड्रॉइड पे इस गेम को एज अ क्लोन मान सकते हैं आप लोग। एंड अगर आप लोगों को इस गेम प्रेस्टर करना है तो मैंने बता दें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाकर प्रेस्टर कर सकते हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारे इस गेम के रिलीज डेट के बारे में, कि गेम कब तक रिलीज़ हो जाएगा। तो भाई आपको जो है ये गेम देखने के लिए मिलेगा हमारे 2020 के लास्ट में या फिर 2021 के स्टार्ट में, यानी कि ये गेम जनवरी में रिलीज़ हो जाएगा या फिर दिसंबर में रिलीज़ हो जाएगा। एंड पीसी के लिए गेम पहले आएगा, बाद में गेम एंड्रॉइड डिवाइस के लिए आएगा। एंड इस गेम के जो आप लोग जब पीसी पर लॉन्च हो देख सकते हैं गेम ग्राफिक्स किस लेवल के होंगे पीसी पर, तो उस हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा एंड्रॉइड ग्राफिक कितने हाई हो सकते हैं इस गेम के। एंड गेम बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, काफ़ी सारे लोकेशन देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग आपको ट्रैवल करना होगा। एंड जो काफ़ी अच्छा इस गेम का स्टूडेंट होगा एंड बहुत ही अच्छा इसमें जो फाइटिंग सीन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड गेम बहुत बेस्ट होने वाला है, गेम को अभी जाकर प्रेस्टा कर लीजिए आप लोग एंड थोड़ा सा वेट कर लीजिए इस गेम के लिए। एंड इस गेम के लिए आपको डिवाइस अच्छा खासा चाहिए होगा, बहुत ही अच्छा डिवाइस चाहिए होगा।
एंड ये मुझे अभी ऑफिशियल न्यूज़ मिली थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बता दी आप लोगों को सबको ये न्यूज़। एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स में हर जगह शेयर करना, न्यू तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड वीडियो को लाइक पक्का करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड यार फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।